अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, तो लगातार जो है राजधानी में बदमाश बेखौफ हैं। युवक पर धारदार हथियार से हमला किया है बदमाशों ने। समर नाम के युवक पर यह हमला किया गया है। बाइक सवार अज्ञात दो बदमाशों ने हमला किया है। कोहफिजा थाने का ये मामला है। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं बदमाश। तो बाइक सवार अज्ञात दो बदमाशों ने हमला किया। कोहफिजा थाने का ये मामला है। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं बदमाश। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। युवक पर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रिजवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, राजधानी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। युवक पर अब धारदार हथियार से हमला किया है बदमाशों ने। बिल्कुल, पूरा बताना चाहूंगा। पूरा मामला है जैसे थाना क्षेत्र के नादाई कॉलोनी का, जहाँ पर एक समन नाम का युवक जो है अपने घर के बाहर खड़ा था। आगे बदमाश है और धारदार हथियार को समर्थन हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आगे मामले दर्ज कर लिया। आरोपी की तलाश पुलिस दावा कर रही है जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी रिजवान, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो राजधानी में बदमाशों के हौसले जो है लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाश बेखौफ हो गए हैं। पहले भी हमने इस तरीके की घटनाएं देखी कि बदमाश जो है लगातार हमले, खुलेआम हमले कर रहे हैं और बाइक सवार दो बदमाशों ने युवक पर हमला कर दिया। धारदार हथियारों से हमला किया गया, तो समझ सकते हैं जहां एक तरफ सरकार जो है अपराधों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रही, तो वहीं दूसरी ओर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। समर नाम के युवक पर हमला किया गया है।